गोरिल्ला पोर्ट से लाख गुना अच्छा है। और भाई साहब इसे आप कितना भी मोड़ सकते हो, देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैंने लिए एक ब्लॉगिंग ट्राइपॉड लिया हूँ, उसका पूरा रिव्यू एंड टेस्ट सब कुछ करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फ्लिपकार्ट वाले ने इतना बड़ा थैला दिया है, अब चलो पहले थैलों को काट लेते हैं। आप देख सकते हो डेट, आप देख सकते हो 13/9/22 बता रहा है। और चलो अब इसको काटते हैं भाई साहब। ये हो गई ओपन। तो गाइस अब इसे रखते हैं, फेंकते हैं साइड में। अब आती है मेन चीज़ भाई साहब, यहाँ बिल उल दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। तो प्राइस 296 और गाइस इनका डिलीवरी लगा है 53 रुपये, टोटल अमाउंट 350 रुपये का आ जाते हैं। इससे बेस्ट ट्राईपोड आपके लिए कहीं नहीं मिलेगा। इसको फेंकते हैं साइड में। और कैंची है तो देखते हैं भाई साहब, पहले यही खोल लेते हैं, पहले बॉक्स को देख लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ कुछ भाई साहब, बहुत माने बहुत अमेजिंग भाई साहब। इसमें देखिए साइकिल पर देख सकते हो यहाँ कुछ इस तरीके से। और तो इसे खोलते हैं भाई, खोलने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलने वाला है। देखते हैं गाइस इसमें से क्या क्या निकलता है। जो सब था वो निकल गया, इसके अंदर कुछ नहीं, देख लो खाली है। जब रखते हैं साइड में। तो गाइस ये रही हमारी ट्राईपोड, तो इसे भी रखते हैं, खोल लेते हैं पहले इसमें। यार भाई लोग, ये रही मोबाइल होल्डर गाइस, ये मिल जाता है मोबाइल होल्डर, तो इसे भी रखते हैं साइड में। ये अभी ट्राईपोड में लगेगा, इसे भी खोल ही लेते हैं। सस्ता ट्राईपोड, ब्लॉगिंग ट्राईपोड, खतरनाक ट्राईपोड, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ तो गाइस इसका बहुत फ्यूचर है, आप देख सकते हो पूरा 360 डिग्री रोटेट है, आप देख सकते हो। पहले मैं आपको पहले इस, ये भी खुलता है, ये भी पूरा पहले पार्ट सब पार्ट अलग कर लेते हैं। बस अब इससे ज़्यादा भी पार्ट अलग नहीं होगा। तो गाइस आपको दिख रहा है ये इतना फैल रहा है, पर इसमें एक इसमें समझ लो दो मोड दिए गए हैं, जो कि ये देख रहे हो ये बड़ा है, इससे ज़्यादा फैलेगा, और ये बगल वाला छोटा है तो इसे घुमाना पड़ेगा। घूम गया आप देख सकते हो, अब ये छोटा हो गया, अब ये बस इतना ही फैलेगा। और गाइस बात करते हैं इसकी वेट, इसकी वेट है 300 ग्राम, और ये 1 kg वेट सह सकता है। यार भाई साहब अगर आपको कैमरा लेना तो आपको बड़ा वाला ही करना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। सारी टूल्स को भाई साहब जोड़ते हैं, और ये हो चुका है, आपको दिख रहा है जुड़ चुका है। अब इसमें ये लगेगा इसमें, जो कि आपको जितना पहले जिस एंगल पे कर लेना है, जितना डिग्री, ये 360 पूरा रोटेट करता है, इसी के लिए ये इस कर कस देंगे। अब देख रहे हो अभी जाम हो चुका है गाइस, इसको लगाते हैं इसमें। तो गाइस लग चुका है, अब मोबाइल होल्डर में देख रहे हैं दो दो दिए गए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे लिए। तो मैं पहले यही वाला कर लेता हूँ, ये लिए हमारे ब्लॉगिंग के लिए यहीं पर ही लगाना पड़ेगा। कैसा आ चुका है, अब चलो फ़ोन को जोड़ते हैं। तो गाइस मैं आपके लिए एक फ़ोन लेकर आया था टेस्टिंग करने के लिए। तो गाइस आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार सा, बहुत ही मजबूत है। और अगर आप कुछ इस प्रकार से वीडियो शूट कर रहे हैं, नहीं इस प्रकार से आपको यहाँ थोड़ा नट ढील करना पड़ेगा, आई मीन स्क्रू को जैसे ढील करते हो ये आ जाता है कुछ इस प्रकार से। अब आप देख रहे होंगे फ़ोन बन चुका है ऐसे, जो कि गाइस जो रील्स वगैरह बनाते हैं वे इसी प्रकार से ये रोटेट करके बनाते हैं। पर हम अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो तो आपके लिए 180 डिग्री होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। गोरिल्ला पोर्ट से लाख गुना अच्छा है, और भाई साहब इसे आप कितना भी मोड़ सकते हो, देखिए देख प्रकार से ब्लॉक करेंगे। हेलो गाइस, कुछ इस प्रकार से आप ब्लॉक कर सकते हो, आप देख सकते हो ये भाई साहब बहुत ही मुड़ रहा है, जैसा आपको पकड़ना होगा। बहुत लोग ब्लॉगिंग ऐसे करेंगे और बहुत लोग ऐसे करेंगे। और गाइस ये
अगर ये टू व्हीलर में भी लग सकता है और साइकिल में भी लग सकता है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हो कितना ही ज़्यादा रोटेट हो रहा है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा ट्राईपोड। हाँ तो गाइस, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताना कि भाई साहब मैं इसे अनबॉक्सिंग चैनल बनाऊँ या ब्लॉग चैनल। तो गाइस मैं इस पर दोनों डालता हूँ, जो कि हमारे पास जो मैं अपने लिए गैजेट मंगाता हूँ मैं उसका वीडियो इसमें डालता हूँ इस चैनल पे। तो मैं देख रहा हूँ मेरे ब्लॉग पे कम बीच जा रहे हैं और अनबॉक्सिंग पे जा रहा है। तो एक अपना सुझाव कमेंट कर दीजिएगा, इसे ब्लॉगिंग चैनल बनाना है या अनबॉक्सिंग चैनल। तो बस आज के लिए बस इतना, तो मिलते हैं आप सभी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।